अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा के फजल व करम से आप सब भी ठीक होंगे और खुश होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को। और जी आज लाहौर में हुई बहुत ज़बरदस्त बारिश और जी मौसम उससे काफ़ी अच्छा हो गया है। नाश्ते के बाद जो है बहुत तेज़ बारिश हो गई थी तो मैंने सोचा कि फिर क्यों ना मौसम की मुनासबत से खाना तैयार किया जाए अपना दोपहर का लंच। तो मैं जी आज पका रही हूँ पाए, और कुन्ना पाया भी बोलते हैं जिसे, और जी मैं उसकी रेसिपी आपको देने लगी हूँ। मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी और ब्राउन करके मैंने उसको निकाल लिया था। फिर उसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, एक चमचा नमक हसबे ज़्यादा, तीन से चार छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें ये। और मैं डालूंगी जी इसमें पाए का शान का पैकेट, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पिसी हुई लाल मिर्चें भी इसमें ऐड करूंगी। वैसे इसी से ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये मैंने यखनी जो है पाए की तैयार करके रात में ही रेडी कर ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था मौसम अच्छा ही होगा। और जी ये मैंने जस्ट इसमें प्याज डाली थी और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे सी हमारी यखनी तैयार हो गई है और पाए भी बिल्कुल गल गए हैं। बस मैंने फिर प्याज निकाल के इसमें मसाला डाल दिए थे सारे, लहसुन अदरक का पेस्ट भून के। और जी ये अच्छा सा मसाला जब हमारा भुनने लग गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था दही और जो हमने प्याज निकाली थी लाल करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। प्याज को मैंने दरदरा सा कूट लिया था, ऐसे कोई ग्लेंडर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इसी में ही मैश हो जाएगी। तो जी जब ये मसाला अच्छी तरह भुनने लग जाएगा उसके बाद आपने इस तरह करना है कि जो हमने यखनी तैयार की हुई रखी थी उसका जो है यखनी आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें डालती जाना है, और वो भी इसी मसाले के साथ जो भी उसमें प्याज के लम्स वगैरह होंगे वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे अच्छी तरह मसाले के साथ, भुन जाएंगे, जो उसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम इसमें लास्ट में सारे पाए ऐड कर देंगे। देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालती जा रही हूँ, इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ और ये भुनता जा रहा है साथ साथ। और जब अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगेगी तो आपने लास्ट में, क्योंकि पाए तो गले हुए ही हैं तो वो ऐड कर देने हैं आपने। और देखें खाना पकाने के दौरान ही काफ़ी तेज़ दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी तेज़ हुई थी, जिससे ये मेरे घर के बाहर जो है गली में काफ़ी पानी खड़ा हो गया है। अल्लाह ताला अपनी रहमत वाली बारिश दे, पता नहीं लोग ऐसे भी हैं जो इस बारिश से परेशानी उठा रहे होंगे, अल्लाह ताला उनको उनकी परेशानियां दूर करे। हम तो बिल्कुल सेफ़ बैठे हुए हैं और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बारिश को उनके लिए जहमत बन जाती है, अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे। तो जी बैक टू द रेसिपी। तो जी ये देखें मैंने इसके अंदर पाए ऐड कर दिए थे, और ये इतना शोरबा रखना है जितनी आपके घर में रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने शोरबा रख लेना है। मेरे घर में ज़्यादा ना गाढ़ा पसंद करते हैं ना ज़्यादा पतला, बस नॉर्मल होता है कि रोटी से खाया जा सके। तो जी ये मैं अब हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, यानी कि दम दे दूँगी, और ये हल्की आंच पे अच्छी तरह पकता रहेगा। जितना ज़्यादा हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे उसका टेस्ट और निकल के आएगा पाए का। तो कम से कम भी मैंने इसको एक घंटा हल्की आंच पे पकाया था, बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है आपने। और ये देखें पक रहा है, मैं बीच बीच में चमचा चलाती रही थी, और ये हमारे अच्छे से पाए रेडी हो जाएंगे।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा और मुझे ये भी पता लगेगा कि मैं आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो जी, ये मेरी पाए की रेसिपी थी जो कि रेडी हो गई थी। फिर मैंने ये डिश आउट कर दी थी अपने हस्बैंड के दोस्त के लिए, उन्हें रिक्वेस्ट की थी और जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।